हेलो भाई, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो मैंने ऑयल लिया है, मैदा लिया है, मैंने अनियन लिया है, कैबेज लिया है, कैरेट लिया है, कैप्सिकम लिया है, मैंने नमक लिया है, चाट मसाला लिया है, कलौंजी लिया है, रेड चिली लिया है, ग्रीन चिली लिया है, टमाटो सॉस लिया है। तो चलिए चलकर बनाते हैं हम स्प्रिंग रोल। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें मैदा ले लूँगी मैं 2 कटोरी 400 ग्राम। चावल का मैं आटा ले लूँगी 4-5 चम्मच। हाफ टी स्पून हम नमक ले लेंगे, नमक स्वाद के अनुसार आप डालिए। हाफ टी स्पून हम कलौंजी ले लेंगे। ये मैंने 4-5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है मोमन के लिए, ये हम डाल देंगे। देखिए, मैंने सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये देखिए, इस तरह से भी लड्डू जैसे जब ये बनने लगे ना, तो समझ जाइए कि मोमन इसका बहुत अच्छा है। अब इसमें हम पानी डाल करके एक डो बना लेंगे समोसा की तरह। देखिए, डो हमारा बन गया है। ये देखिए, समोसा की तरह मैंने डो बनाया है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने को। देखिए, मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें मैं प्याज ले लूँगी बारीक कटी हुई, इस तरह लंबे में। और मैं कैबेज ले लूँगी, कैरेट ले लूँगी 1-1 कप। कैप्सिकम हम ले लेंगे। सारी वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से धो करके साफ करके फिर मैंने लंबे में काट लिया है। 1/2 टीस्पून हम चाट मसाला ले लेंगे। 1/2 टीस्पून हम रेड चिली ले लेंगे। ये मैंने ग्रीन चिली ली है 1 बारीक काट करके। ये मैं ब्लैक पेपर ले रही हूँ 1/2 इंच से भी कम। नमक ले लेंगे हम स्वाद के अनुसार। टू टी स्पून हम केचप ले लेंगे। 2 टी स्पून हम मेयोनीज ले लेंगे। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने सारी वेजिटेबल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए, देखिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। अब इसका हम घोल बना लेंगे। देखिए, घोल हमारा बन गया है। तो देखिए, 15 मिनट हो गए हैं, डो हमारा बहुत अच्छा देखिए फूल गया है। देखिए, मैंने एक पट्टा ले लिया है, इसमें मैं मैदा डस्ट कर लूँगी। मैं इसमें अपना डो ले लूँगी। इस तरह से हम लोइयाँ बना लेंगे। तो अब इसे हम बेल लेते हैं। हमको पतली सीट बनाना है स्प्रिंग रोल की, मोटी नहीं बनाना। देखिए, हमने रोटी की तरह पतली सीट बना लिए हैं, ये देखिए। और अब हम ये स्टफिंग इसमें भर लेंगे। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब्स भी मिलाया है, मैं भूल गई थी। ये मैंने घोल बनाया है। अब इसको हम इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ।
देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फिर हमको इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से मैं अपनी सारी स्प्रिंग रोल बना लूंगी। देखिए सारे स्प्रिंग रोल मेरे बन के तैयार हैं। फिर हमारा गरम हो गया है, अब हम स्प्रिंग रोल को हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हमको फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी क्रंची बने। और अब हम पलट लेंगे। देखिए हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई हो गए हैं, तब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं अपने सारे स्प्रिंग रोल को फ्राई कर लूँगी। लीजिए गाइस, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची हमारी स्प्रिंग रोल। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँ। तो मैं मिलती हूँ आपने एक वीडियो में। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।